दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच लीड्स में खेला जाना है। सीरीज के तीसरे मैच में भारतीय टीम एक बदलाव के साथ उतर सकती है और यह स्पिन डिपार्टमेंट में संभव भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस मैच में रविंद्र जडेजा की जगह ऑफ स्पिनर आर अश्विन को मौका दे सकती है। हालांकि अश्विन को अब तक नॉटिंघम और लॉर्ड्स में खेले गए पहले और दूसरे टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिला है। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत अक्सर 3 पेसर और 2 स्पिनरों के साथ ही उतरता है, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर टीम ने 4 पेसर और 1 स्पिनर के संयोजन के साथ ही खेलने का फैसला किया। दरअसल अब इनसाइड स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अश्विन को यह मौका जडेजा के बॉल से अच्छे प्रदर्शन नहीं करने की वजह से मिल सकता है। जडेजा ने सीरीज में दोनों मैच खेले हैं लेकिन अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल सके। हालांकि जडेजा का बल्ले से प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी अश्विन को खिलाने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले काउंटी क्रिकेट में सरे के लिए प्रैक्टिस मैच खेला था और एक पारी में 6 विकेट झटक कर इंग्लैंड की टेंशन बढ़ा दी थी। हालांकि भारत के ऑफ स्पिनर अश्विन ने एक दिन पहले ही इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें लॉर्ड्स टेस्ट में क्यों टीम में नहीं शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि दूसरे टेस्ट की सुबह बारिश हो गई, जिसके कारण भारतीय टीम 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरी। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से जडेजा और अश्विन में से किसे प्लेइंग 11 में जगह मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।